ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस किष्किंधा कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता बनने के बाद अब प्रभु पूछ रहे हैं, हे सुग्रीव मुझे इतना बता दो, आप इस घने जंगल में क्यों रहते हैं? तब सुग्रीव जी पूरा अपना परिचय दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। नात बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछ बरन न जाई, मय सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ, अर्ध राति पुर द्वार पुकारा, बाल रिप बल सहै न पारा, धावा बाल देखि सो भागा, मैं पुनि गयम बंद संग लागा, गिरिबर गुहा पैट सो जाई, तब भाली मोहि कहा बुझाई, परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवौ तब जाने सुमारा, मास दिवस तह रहे करारी, निसरी रुदिर धार तह बारी, बाली हते सि मोहि मारिहि आई, सिला देई तह चलेव पराई, मंत्रिन पुर देका बिन साई, दीन हेव मोहि राज बर आई, बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय बेद भड़ावा, रिप सम मोहि मारेस अति भारी, हरि लीन है सि सर्बस अरुनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मै फिरेव बिहाला, यहाँ साप आवत नाही, तदपि सभीत रहव मन माही, बस सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी ध्वं भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारिहौ बालिहि एकहि बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। देखिए अब सुग्रीव जी अपने बारे में बताने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया भी इस पद में दिखते हैं। एक एक विस्तार से हम व्याख्या देखेंगे। नात बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु भरनी न जाए, मय सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव जी का बता रहे कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। मतलब भाई लोग कैसे रहना है तो वाली सुग्रीव जैसे हैं, हे प्रभु। लेकिन मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे राज्य में आया, आने के बाद क्या हुआ देखेंगे। अर्ध रात पुर द्वार पुकार, बाली रिप बल सहै न पार, धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयम बंद संग लागा। देखिए उसने क्या किया, आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा, मतलब पुकारा, है आओ कोई वीर है तो। बाली शत्रु के जो बल दत्त, जो शत्रु ललकारने को सह नहीं पाया, तुरंत क्या हुआ, वो दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी बाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा पैट सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई,
परिकेश मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वो देखिए वो मायावी ने क्या किया, एक पर्वत की गुफा में जा घुसा है। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, देखो भाई तुम यहां एक पकवाड़ा दस 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरे लिए इंतजार करना। अगर यदि किसी कारणवश मैं अगर 15 दिनों में वापस ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे करारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते से मोह मारिह आई, शिला दे तह चले वो पराई। हे करारी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं वहां महीने भर तक रहा, लेकिन वहां अर्थात उस गुफा में से एक दिन क्या हुआ, रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि शायद उस मायावी ने बाली को मार डाला, अब आकर मुझको तो मारेगा, ये तो सहज है। इसलिए मैंने क्या किया, वहां अर्थात उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा एक शिला लगाकर मैं भाग आया। मंत्रिन पुर देका बिन साई, दीन हेव मोहि राज बरी आई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। देखिए मंत्रियों ने कहा कि अरे भाई अभी नगर को बिना स्वामी अर्थात राजा के बिना राज्य रहना ठीक नहीं है, इसीलिए उन सब लोगों ने मिलके मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाली उस मायावी को मार कर घर वापस आया। जैसे वे आते ही मुझको राज सिंहासन पर विराजमान देखकर उसके मन में बहुत दुख हुआ और उसका बहुत विरोध माना। उसने ये समझा कि शायद राज्य के लोभ के कारण, क्योंकि इस राज्य सिंहासन के लिए उस गुफा के द्वार पर ऐसे शिला रख लिया, मैं वापस ना आ जाऊं। इस लेकिन अब यहाँ आकर सुग्रीव राजा बन बैठा है। रिप सम मोहि मारेस अति भारी, हरि लीन हेसि सर्वस अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरेव बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, क्योंकि अब मैं शत्रु बन गया उनके लिए, और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर रघुनाथ जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप आवत नाही, तदपि सभीत रहौ मन माही। बस सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक की उठी धौं बुझा विशाला। वो शाप के कारण इस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर वो नहीं आ पाएंगे, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी के दोनों विशाल बुझाए फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई ना उबर ही प्राण। देखिए अब प्रभु बता रहे, प्रभु कहे तो क्या नहीं होता, सब सत्य तो हो ही जाता है। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे, मैं आपको वचन दे रहा हूं। अब इस पद की और एक बार संक्षिप्त में मैं उसका अर्थ बताना चाहता हूं। देखिए सुग्रीव ने जो बताया, अभी सुग्रीव बता रहे कि हे प्रभु हे नाथ, हम दो भाई हैं बाली और मैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे प्रभो, मैं दानव का एक पुत्र, मैं इसका नाम है, लेकिन जिसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे राज्य में आया, उसने ऐसे आधी रात को नगर के दरवाजे पर आकर ललकारा।
शत्रु के बल अर्थात उसके ललकारना को ना सह सकने के कारण बाली दौड़ा। उसे देखकर मायावी भी भाग, मैं भी बाई के संग लगा हुआ चला गया, बाई के साथ मैं भी ऐसे गया। लेकिन वो मायावी पहाड़ की एक गुफा में जाकर अंदर चले गए हैं। तब बाली ने मुझे यहाँ बाहर मुझको समझाया कि देखो भाई, एक पकवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरे लिए यहाँ इंतजार करना, मतलब अर्थात मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिनों में लौट नहीं आ पाता हूँ तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे करारी, हे प्रभु, मैं वहाँ 15 दिन, 1 महीने पर वहाँ रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, अर्थात मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब वो आकर मुझे मार डालेगा। इसीलिए गुफा के द्वार पर एक चट्टान लगाकर मैं बाग आया। आने के बाद क्या हुआ, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा, तब उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। लेकिन बाली उसे मारकर घर वापस आया। जैसे राज सिंहासन पर मुझे देखकर उसने जी में बहुत ही विरोध माना। उन्होंने सोचा कि शायद इस राज्य के लिए ही गुफा के द्वार पर चट्टान रखाया था जिससे कि वो बाहर ना निकल सके। उसने अब भाई तो शत्रु के रूप में देखते हुए मुझे बहुत अधिक पीटा और मेरा सर्वस्व तो ले ही लिया और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। हे कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, उसके डर से मैं सभी लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। लेकिन यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर शाप के कारण वहाँ वह या ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए यहाँ मैं रह रहा हूँ। लेकिन मैं भी मन ही मन डरा डरा रहता हूँ। और इस सब सुनने के बाद दीन दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। और देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार गिराऊंगा। यदि वह ब्रह्म और शिव की भी शरण जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।